अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग, और शाम की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो और शाम को हम क्या बना रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने साथ रहना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो मुकम्मल वाच करनी है, वीडियो बिल्कुल सपेक नहीं करनी। ठीक हो गया जी? तो वीडियो फिर स्टार्ट का हो गई हमारी, तो आपने देखने जरूर है। हाँ तो जी, ये वसीम को अभी भेजा था दुकान पे, किराना पे, 1 किलो घी 400 रुपए का, 1 किलो चीनी 90 रुपए, 1 थैली नमक 10 रुपए, 1 पैकेट सेवियाँ का बोला था, तो ये 2 लेके आ गया 200 रुपए की। और उसके बाद क्या है, बर्तनों का साबुन था 10 रुपए वाला, और जो थी ये क्या थी, टोटल बिल बना के दें ये मुकम्मल 770 रुपए का बिल बना है। और उसके बाद जी एक ये साबुन लिया, ये बर्तनों वाला, और एक जो है ये थैली लिया है नमक, यादगार नमक लाहौर का, और उसके बाद ये एक थैली लिया है सेवे की, ये एक कई थी और ये 2 लेके आया है, ये लिए 2 थैलियाँ सेवें की, और एक लिया है ये घी की, और किलो जो ली है वो है चीनी। तो ये बिल बना के आ गया 750 रुपए का, 770 रुपए का ऐसे। हाँ जी, तो 770 रुपए का बिल बना है। अभी ये सेवियाँ भी बना रहे हैं, और साथ जो है सालन बनाएंगे, हाँ जी, वो भी आपको दिखाएंगे, और ये जो सेवियाँ बनाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। तो इब्राहिम क्या कर रहा है? हाँ, अभी ये दूध के डब्बे भी नहीं दिखाए, ये 2 डब्बे दूध के भी मंगाए थे, क्योंकि वो दूसरा दूध जो है वो मिलता नहीं है, तो ये डब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, ये 2 डब्बे जो हैं दूध के। उसके बाद बाकी ये सामान तकरीबन 750-800 रुपए का सामान आ गया, तो बाकी देखेंगे फिर, बाकी जब ये बनाते हैं फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, नमाज जो है अहमद भाई नमाज पढ़ के अभी दुआ मांग रहे हैं, ये देखें दुआ भी मांग ली है और नमाज भी पढ़ ली है। खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, आप सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ ली? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। मकान शकान तो नहीं, पानी मकान में पानी आया है, लेकिन वो सोच रहे हैं कहाँ से ना थोड़ी 8-10 तगारी मट्टी लग जाए ना, फिर दोबारा लिपाई करते हैं। मांग लो असगर भाई से, उसकी पड़ी तो है, सोच रहा हूँ कि जब मैं अपना काम शुरू कराना है फिर तो मंगानी पड़ेगी, फिर ले लेंगे। इतनी महंगी नहीं है यार मिट्टी, 2000 की ट्राली पूरी आ जाती है। वो तो आ जाती है, लेकिन इधर फिर जगह भी नहीं है ना रखने की, इसलिए जो ना अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सही, हमारी गार्ड किधर गया? टूट गया, कब का? इधर बात करना, फिर किधर जा रहा है? ये किधर गया न्यू साइकिल का हमारी गार्ड? टूट गया। वो कैसे टूट गया? यहाँ से चुमका टूटा, फिर वो टूट गया। ये कल चैन बनवाया थे? हाँ जी। तेल भी इसको लगाया था चैन को? हाँ जी। कितने रुपए लिए थे? 30 रुपए। 30 रुपए? हाँ जी। एक चैन टाइट करने के 30 रुपए ले लिए? हाँ जी। यार 20 रुपए 10 रुपए तो लेते हैं, आप 30 दे के आ गए हो, कोई पता नहीं है यार आपका भी। अब चैन नहीं उतरते? अब उतरते भी नहीं है, सही चलेगी? हाँ जी, पीछे भी चलती है। वो तो पानी की वजह से ना, बारिशों की वजह से ना, पानी की वजह से ना, वो पीछे भी चलती है, आगे भी चलती नहीं, पीछे नहीं चलती, आगे चलती है, बस सही है। ये देखें जी, एक टमाटर और एक है प्याज, ये जो है काट रहे हैं, और ये बनाएंगे दाल, हाजा भी बैठी है, और दाल जो है बनाते हैं, देखते हैं हिसाब किताब। हाँ तो जी, ये देखें मसाला जो है वो काट दिया है, लहसुन भी, प्याज भी, और टमाटर भी ये काट लिए हैं ना करे ब्रेम, और अभी पकाते हैं दाल, देखते हैं फिर। हाँ तो जी, अभी आए हैं अहमद भाई के घर, जो न्यू तैयार हो रहा है, तो मिस्त्री साहब बैठे थे, दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दांत साफ कर रहे थे? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखो हो जाते तो।
तो इधर आए थे, आए तो ये जो है ना दांत साफ कर रहे थे और बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, पंखा लगा हुआ था। तो इनका चैनल जो है वो है एम इरशाद के नाम से, इनका कोई व्लॉगिंग नहीं होती है, इनकी जो है मिस्त्री का काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लिप 8-10 सेकंड का, तो ये जो है क्या काम करते हैं और क्या बनाते हैं। तो आपने एम इरशाद चैनल को जो है सर्च करना है, वो आएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ दावन करना है, चैनल वीडियो जो है मुकम्मल वाच करनी है उनकी। जो मेरे बहन भाई देखने वाले हैं उन्होंने तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी दिखाते हैं जी ये क्या बनाते हैं, ये कोठियाँ वगैरह बनाते हैं। ये देखें, ये टेली की ना हर किस्म की कोठी आएगी। ये देखें, ये अपने हाथ से बनाते हैं मिट्टी की, वैसे जिस नक्शे में भी आपने तैयार करवानी हो वो जो है आपको तैयार शुदा मिल जाएगी। ये देखें गेट वगैरह भी इधर से भी, और नीचे भी एक बिल्डिंग है, तले नीचे जो है गेट लगा हुआ है, और बाकी ये साइन हो गया, ये साथ जो है सीढ़ी जा रही है ऊपर। तो आपने ज़रूर जो है इनके चैनल का विज़िट करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ठीक हो गया जी तमाम बहन भाइयों, चलते हैं फिर आगे, देखते हैं आगे क्या माहौल है। ये देखें जी लंबरदार जो है आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते, एक हाथ में जो है दाल पकड़ी हुई है और जो है बोतल पकड़ी हुई है। ये किसकी लेके जा रहा है? ये मामू अल्ताफ आया हुआ है। मामू अल्ताफ आया हुआ है तो बोतल उसके लिए लेके जा रहा है। हाँ, ये दाल किसकी है? ये हमारी है। ये आप दाल बना रहे हैं? हाँ। मैंने सुना है कि गोश्त बना रहे हैं। गोश्त चाचू असलम वाले बना रहे हैं। चाचू असलम वाले बना रहे हैं आप? हाँ। दाल बना रहे हैं? हम भी दाल बना रहे हैं। हाँ जी। सही है सही है, चलो चलिए गर्म ना हो जाए फिर। हाँ जी। मुझे भी देना थोड़ी। हाँ ठीक है जी, मैं ऊपर दीवार से देखता रहूँगा। जी सुबह चाय लेने गया था फिर वापस भी नहीं आया आप? मैं वो काम चला गया था। काम नहीं चला गया था, पापे खाने जोड़ गया था। मुझे असगर भाई ने बताया है कि मैंने उसको इशारा किया था चाय ले आ, मैं ना ले आ। हाँ तो जी ये देखें सेवियां पहले तैयार कर रही है, इसके बाद बनाएंगे दाल, क्योंकि ये सेवियां सिर्फ बना रहे हैं जो जायका थोड़ा चेंज करने के लिए। वैसे तो हम दाल बना रहे थे। ये देखें नीचे जो है ना मिसाले वगैरह भी दाल के लिए काट के रखे हुए हैं। ये घी की थैली जो है खाली कर दी, डब्बे में डाल दिया है, इस बाल्टी में घी डाल दिया। और पहले जो है हम सेवियां बनाएंगे, सेवियां बनाने के बाद जो है फिर बनाएंगे हम दाल। और उम्मीद है कि मेरी आज की जो वीडियो है ना तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी, और वीडियो मुकम्मल वाच करनी है तो देखते हैं फिर कितनी वीडियो आप देखते हैं। ये खड़ा है जी इब्राहिम खान, इब्राहिम खान से बातचीत करते हैं। इब्राहिम खान क्या हाल है, तबीयत कैसी है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। वाह जी वाह, क्या बना रहे हो आज? चावल नहीं है, सेवा है। सेवा बना रहे हो? हाँ। दाल बनाएंगे? हाँ। रोटी भी खाएंगे, सेवा भी खाएंगे, सही है? हाँ ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। अब बाय बाय। पहले भी आपने कलर देखा था सेवियों का, आप भी कलर देख लें कैसा है, इसकी बुनाई हो रही है घी में। पहले बिल्कुल जो है पीले रंग की थी, अभी जो है देखें कैसी हो गई। ये थोड़ी चैट होती जाएगी और तैयार होती जाएगी, फिर इसको अंदर पानी से निकालेंगे, देखेंगे फिर हिसाब किताब। अभी जो है सिर्फ नहीं हो गई है। इधर जी लोया जा रहा है आटा, जैसे आपको बताया है कि वो सेवियां भी बना रहे हैं और खाना भी, रोटी भी बना रहे हैं। तो इधर तकरीबन 3-4 रोटियों का जो है वो आटा बना लेंगे, क्योंकि एक एक रोटी जो है वो खा लेंगे, या आधी आधी रोटी खा लेंगे, फिर सेवियाँ भी खानी है। और ये आटा जो है ये गूंदा जा रहा है, इधर बेटी जो है आटा गूंद रही है और बेगम जो है वो सेवियां बना रही है। अभी जी ये बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं, इसमें अभी डालते हैं पानी। ये देखें ये 2 थैली सेवियों की थी, तो अभी इसमें पानी डालते हैं। ये देखें धुआं कैसा निकल रहा है, ओ मेरे मोबाइल का क्या हाल कर दिया है इसने धुएं ने। 2-3 गिलास 4 गिलास इसमें पानी आएंगे, ये देखें फिर ये पानी में जो है ना गल जाएंगी। जब ये गल जाएंगी तो फिर आगे वाला सिस्टम आगे देखेंगे। सही हो गया जी, देखते रहे, आज हमारी हांडी तैयार हो रही है सेवियों की। ये जिंदगी पहली बार बना रहे हैं, दुआ करनी है आपने, ये नहीं कहना कि हमारी मेहनत जो है वो ज़ाय हो जाए और आप देखें ही ना मेरी सेवियाँ। ये देखें जी अभी इस कंडीशन में आ चुकी है, गल गई है। अभी इसमें डालेंगे चीनी,
चीनी ऐड करेंगे। हाँ अभी इसमें चीनी ऐड कर दिया, ये चीनी जो है इसके अंदर जो है ना ये गर्म है ना फूल, ये पिघल के इसके अंदर हल हो जाएंगी, फिर हमारी सेवियाँ जो है वो हो जाएंगी तैयार। ये देखें चीनी इसमें डाल दिया है, जैसे वे चीनी ये हल हो जाएगी फिर हमारी सेवियाँ तैयार। हाँ तो जी अभी हमारी सेवियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं तैयार, अभी हम सिलेंडर से उतार देंगे इनको और इसके बाद हम क्या शुरू कर रहे हैं। ये देखें मिसाला, ये दाल हो गई मूंगी मसरी वाली और ये लहसुन कुटा जा रहा है, ये देगची आ चुकी है, अभी हम बनाएंगे दाल और मेरी वीडियो है तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और ये सेवियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो जो है तमाम बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं चाहूँगा तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। ये देखें जी ये पीछे पौधा जो है ना बारिशों की वजह से हरा हो गया है।